मांगते हैं काय के लिए मांगते हैं? बाबा ने तो बोला मांगने से मरना वाला, इसलिए मांगते हैं। बाबा हालत बेनुस्ता करके पहले बाबा उर्दू में समझाया, ये उर्दू का बात दिया ना, ये उर्दू में ही क्यों ये मिसाल दिया? उर्दू का बात होगा। ज्यादा बेसमझ मुसलमान बने हैं कि हिंदू बने हैं? ज्ञान को समझने में मुसलमान है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाओ तो जल्दी समझेंगे। मना ये शुरू हुआ कि पाकिस्तान में। हाँ जी हाँ जी। बेहद से वैसा माना कैसे हद की बैठकें होती हैं बाजारों में, जो हद के बाजार होते हैं वहाँ जाकर के बैठती हैं, और बेहद की बैठकें बाजारों में जाके बैठती हैं क्या? हाँ विजय, तुम्हारे लिए पिकनिक के स्थान हो जाएंगे, इसलिए सेवा के लिए घूमेंगे फिरेंगे तो पिकनिक को उनको घूमना फिरना कहा जाएगा। अगर कोई विदेश में जाते हैं और वहाँ सेवा के लिए बुलाया जाता है तब जाते हैं, बुलाने वाले बुलाते हैं और वो जाते हैं। भले विदेश में स्थान ऐसे हो जाएंगे जैसे पिकनिक का स्थान, तो क्या सेवा नहीं होगी? हाँ, जिनका लक्ष्य ही हो ऐसा कि हम तो घूमने करने जा रहे हैं। घूमने करने, अगर घूमने फिरने जाएंगे जैसे कि कोई कर्नाटक में आते हैं, केरला में जाते हैं और गोवा घूमने चले गए, सेवा का लक्ष्य लेकर के आए और 2-4 दिन लगाए गोवा में, घूमे फिरे मस्ती मारी, या जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ मंदिर आदि देखने फिरने में ज्यादा टाइम लगाते हैं और थोड़ा सा सत्संग कर लिया, तो उनको क्या कहा जाए? घूमना फिरने वाला है? घूमना करने वाला कहा जाए? लक्ष्य जैसा लक्ष्य वैसा ही लक्षण आएगा। तो ज्यादा समय सत्संग में लगा के थोड़ा समय घूमने फिरने में लगाए तो भी नंबरवार, तो भी उनको नंबरवार घूमने फिरने के लिए वाला कहेंगे। बाबा को मिलने को घूमने फिरेगा, बाबा को मिलने को घूमने को, बाबा को मिलने को आज मिलना पड़ेगा। घूमते हैं ना बाबा से मिलने के लिए आते हैं ना। बाबा मिल जाता है, जो बाबा को ढूंढते हैं तो ढूंढने से बाबा मिल जाता है क्या? बाबा अपने आप आकर मिलते हैं या ढूंढने से मिलते हैं? बाबा ये ब्रह्मा व्यक्त है, वो ब्रह्मा तो अव्यक्त है। सत्य में बोला 68 में है, वो 68 का है, 68 में बोला। तो यह करके किसकी तरफ इशारा किया? दादा लेखराज की तरफ इशारा किया। ये व्यक्त है और वो जिसको इमर्ज करके मैंने प्रजापिता। हाँ जी। तो ये ब्रह्मा भोग लगाने का भी प्रोसीजर शुरू किया ना। हाँ, वो भी प्रजापिता के लिए किया ब्रह्मा बाबा ने। प्रजापिता की भोग रखने का आदत शुरू किया ना। हाँ, ब्रह्मा के समय से शुरू हुआ ना। हाँ, तो वो ब्रह्मा किसके लिए बोल रखा? प्रजापिता के लिए रखा। वो ब्रह्मा अव्यक्त है, माना साकार में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन वाला है, अव्यक्त है। हाँ, साकार शरीर में रहते हुए भी मनन चिंतन वाला, इसलिए आदेश कहा। वो ठीक है। फिर ये ब्रह्मा बाबा ने किसके लिए भोग रखने का प्रचार शुरू किया? किसके लिए किया? भोग रखते थे ना बाबा। हाँ, वो ब्रह्मा की समय से शुरू हुआ, ब्रह्मा बाबा की समय। हाँ, वो किसके लिए भोग रखने का शुरू किया? वो जानते ही नहीं थे। ऐसे ही भक्ति मार्ग की रस्म चलाई थी, वो जैसा प्रसाद कराते हैं। और गणेश को 12 चंद्र दिखाते हैं। क्या बाबा? गणेश को 12 चंद्र, 12 मुख दिखाते हैं। कोई भी देवताएं हैं जो अपने कुल के मुखिया हैं, उनके 12 के ग्रुप होते हैं। क्या चाहे सूर्यवंशी देवताएं हो, चाहे चंद्रवंशी बनने वाले देवताएं हो, या और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले देवताएं हो, उनके जो मुखिया होंगे, उनका पहले पहले तो 12 का ग्रुप होता है। उन 12 आत्माओं को विशेष कंट्रोल करते हैं, इसलिए 12 मुख दिखाए हुए हैं। और इसमें जड़ कौन है? ब्रह्मा या शिव? और चैतन्य कौन है? तो ड्रामा, जड़ ड्रामा है, क्योंकि समय को ड्रामा कहा जाता है। समय अर्थात कालचक्र वो जड़ है, और चैतन्य शिव बाबा। तो चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या ड्रामा में ज्यादा ताकत होती है? चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है, क्योंकि जड़ को चलाने वाला कौन है? चैतन्य ही चलावेगा, जड़ अपने आप तो नहीं चलेगा। जैसे काल चक्र है, तो काल चक्र में कलयुग अंत आता है। कलयुग अंत को सत्युग बनाने वाला कोई तो निमित्त होगा, होगा या नहीं होगा? अपने आप आ जाएगा। तो जो होगा वो चैतन्य है। और फिर बाबा क्यों करते हैं ड्रामा के बंधन में? शिव बाबा भी बांधा हुआ है। वो तो एक बात बताई कि हर आत्मा का पार्ट नुदा हुआ है। वैसे मेरा भी मन सिर्फ पार्ट के लिए बांधा, मेरा भी पार्ट नुदा हुआ है। बाबा शिवबाप रामबाप में प्रवेश करते हैं दिन रूप में, और रामबाप 108 में प्रवेश करते हैं किस रूप में? दिन रूप में प्रवेश करें, सूक्ष्म शरीर तो होता ही नहीं। और 108 में वो 8 का जो ग्रुप है वो है ज्यादा पावरफुल। 8 में और 100 में एक रूप में प्रवेश करता है। हाँ, तो ये प्रवेश करने का कोई स्थान, प्रवेश करने का कोई स्थान या टाइम ऐसा कुछ होता है? जो ड्रामा में न्यूड होगा कोई होगा। तो एक आत्मा का एक आत्मा में प्रवेश एक स्थान में हो सकते हैं, या मधुबन जो है, मधुबन जो है वो अलग अलग करके प्रवेश होता है, या गीता पाठशाला या वहाँ का जो रहने वाला है है। ऐसा प्रवेश गीता पाठशालाओं की बात थोड़ी ही है। नहीं हुआ प्रवेश करने का, ये प्रवेशता की बात तो उस समय की है जब आत्मा संपन्न हो जाए और संसार में प्रत्यक्षता हो जाए, तब ही प्रवेश करेंगे। या संपन्न आत्मा प्रवेश कर जाएगी। शिव आकर के, शिव बाप है, बाप आकर के आप समान बनावेगा, तब ही प्रवेश करेगा बच्चा। या पहले ही प्रवेश करना शुरू कर देगा? और शिव बाबा आकर के राम में प्रवेश करते हैं, संपूर्ण बनने का बाप प्रवेश करता है। हाँ जी, जमते जामते थोड़ा ही हो जाता है, अकेली काम थोड़ा ही जमाया जा सकता है। तो 108 में राम में प्रवेश करके कितने दिन रहता है? क्या मरता है क्या? नहीं। हाँ मरता नहीं। तो क्यों पूछा कितने दिन रहता है? मेरी वो जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करके आश्रम बनाकर परम धाम में जाता है, वो तो वही परम धाम का रहने वाला। हाँ वैसे ही राम में प्रवेश करके क्या परम धाम का रहने वाला है? सूरज की पहले तक रहता है, हमको परम धाम में रहने वाला है क्या? आश्रम बनाकर तो साकार सृष्टि के साकार मनुष्यों का बाप है या निराकार आत्माओं का बाप है? साकार सृष्टि का बाप है, तो यही रहेगा, साकार सृष्टि पर रहेगा या निराकारी दुनिया में वापस जाएगा। तो राम अपनी बापी हो या साकार प्रवेश करके साकार सृष्टि रहेगा अंत तक। पूछने क्या बात, एक सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, एक सृष्टि पर सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो कौन है वो, ऊपर वाला या नीचे वाला? बाबा अभी अभी मुरली में कहा ना, भारतवासी का बनना या बाप के दिल वाला, बाप के दिल पर चढ़ना। जो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं वो भारतवासी है। नहीं, बाप कोई अलग थोड़े ही है भारत से। नहीं, यहाँ आत्मा कहा गया ना है? भारतवासी बनना अथवा बाप के दिल पर चढ़ना अथवा। हाँ हाँ, इसलिए वो दोनों एक ही बात है ना? एक ही बात तो है। जो भारत है वो बाप है, भा माना रोशनी, रत माना लगा हुआ, काहे में लगा हुआ, ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ, उसका नाम नारायण भी रख दिया है। नार आयन, आयन माने घर, नार माना ज्ञान जल, अर्थात ज्ञान जल ही जिसका घर है। बैठता है ना वो सारा अभी उतर चुका है, सारा उतर चुका है, सारा देवताएं उतर चुकेंगे। तो फिर पहले नंबर देवता को जाना पड़ेगा ऊपर। आ रहा है, इधर धर्म के भी आ रहे हैं तो देवता धर्म के भी आ रहे हैं। स्वामी रामदेव हैं, ये आने वालों में से हैं या सतयुग में आए हुए हैं? ये अभी अभी आने वालों में से हैं, इसलिए नाम वाला हो रहा है। ऐसे थोड़ी कि इनसे पहले कोई आसन और प्राणायाम और कुंभक आदि सिखाने वाला कोई नहीं था गुरु। ये पहले भी तो हुए हैं, लेकिन इनका नाम इतना बड़ा क्यों हो रहा है? क्योंकि नई नई आत्मा उतरती है तो उसका नाम बाला हो जाता है। लेकिन वो देवता धर्म की हो गई और क्या धर्म का प्रचार कर रहे हैं क्या? जो बच्चा पैदा होता है वो आत्मा नया परमधाम का है और नया आत्मा है या पुरानी यहाँ की आत्मा है, कैसा पता चलता है? जो आत्मा परमधाम से डायरेक्ट आती है उसके ऊपर कोई पाप होता है क्या? निष्पाप आत्मा होती है, निष्पाप आत्मा परमधाम से उतरती है। और बच्चा तो गर्भ जेल से जन्म लेता है, तो निष्पाप आत्मा क्या गर्भ जेल में आकर के ट्राई करेगी? आते ही करेगी, नहीं करेगी। तो जो भी आत्मा ऊपर से उतरती है वो कोई न कोई में प्रवेश करती है, प्रवेश करके सुख भोगती है, लेकिन दुख दुख नहीं भोगती। हाँ जी, लौकिक लौकिक जो माँ बाप होंगे वो कहीं ना कहीं जन्म ले चुके होंगे। हाँ वो भी ज्ञान में आया हो। हाँ श्रेष्ठ भक्त होंगे उन्हीं के यहाँ पे जन्म होगा। जब उनको बाप का निश्चय बैठ जाए पक्का पक्का तुरंत तो बैठ जाते हैं। कौन सी लगवाओ इस शाम पेपर उनके सामने रख दो। स्टाम्प पेपर कहीं भी खरीद लो। ये कोई बात नहीं, आते रहते हैं, साल दो साल भी आते रहते हैं, निश्चय नहीं होता है। शिव बाबा है डायरेक्टर। हाँ शिव बाबा है डायरेक्टर। हाँ और शिव बाबा ड्रामा की बंधन में भी बांधा हुआ है तो एक्टर भी हो गया ना जी। तो मुख्य एक्टर है। मुख्य एक्टर है। जो मुख्य एक्टर तो लक्ष्मी नारायण होते हैं। लक्ष्मी नारायण जो होते हैं अगर वो मुख्य एक्टर हैं तो लक्ष्मी नारायण दुख भोगते हैं क्या? पूछ रहे हैं लक्ष्मी नारायण बहुत दुख भोगते हैं लेकिन मुख्य एक्टर तो कभी मुख्य एक्टर माने हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी कभी दुख भी भोगता है और कभी सुख भी भोगता है। बाबा सतयुग में श्री कृष्ण राधा की संकल्प शक्ति से राधा कृष्ण जो बच्चे को जन्म देता है तो दृष्टि का राज्य श्वेता में है जो बच्चे को जन्म होगा। कैसे क्या बोल रहे हो? सतयुग में श्री कृष्ण और राधे उनका जन्म होता है बेटा लक्ष्मी नारायण मन की संकल्प शक्ति से ना वाइब्रेशन से राधा कृष्ण का जन्म होता है। हाँ संकल्प शक्ति से तो ब्राह्मणों का जन्म होता है, वाइब्रेशन से जन्म होता है। वाइब्रेशन से हाँ जी। और राधा कृष्ण जिस बच्चे को जन्म देता है वो दृष्टि से। हाँ जी नीचे उतरते जाएंगे। हाँ श्वेता में ज्यादा पावरफुल होती है या वृत्ति ज्यादा पावरफुल होती है? वृत्ति ज्यादा सूक्ष्म है या दृष्टि ज्यादा सूक्ष्म है? वृत्ति ज्यादा सूक्ष्म है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है। ज्यादा ताकत से पहले जन्म के बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे थोड़ी कम ताकत वाले होंगे क्योंकि दृष्टि की पावर आ गई। दृष्टि तो इंद्रियों से कनेक्टेड है ना, भले श्रेष्ठ इंद्रिय है इसलिए कम पावर के पैदा होते हैं। गीता में कैसे जन्म लेते हैं? गीता में मुख के और बाहु के प्यार से पैदा होते हैं। प्यार करते हैं तो बाहु पास में एक दूसरे को बांध लेते हैं ना। सचयुग में ऐसा प्यार नहीं होता। देवान बाहों तक नहीं उतरता, कहाँ तक रहता है? मुख तक सीमित रहता है, एक इंद्रियों तक सीमित रहता है। और लक्ष्मी नारायण वाइब्रेशन से बच्चे पैदा करते हैं तो हाँ जी विजयमाला का आह्वान क्यों करना है? विजयमाला का आह्वान क्यों करना है? वो दूर है तो भी बच्चे वो आने का क्या जरूरत है? मैंने आह्वान करने का मतलब ये नहीं है कि वो आत्मा अपना कार्य करना शुरू कर दे। एडवांस ज्ञान समझ ले। आह्वान करने का मतलब क्या है? हाँ बुलाना माने कहाँ बुलाना, बस एडवांस ज्ञान में आ जाएगा। एडवांस ज्ञान उनकी समझ में आ जाएगा तो बाप का परिचय मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल या बीजू पार्टी में भी ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, बीजू पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो रहे एडवांस में, वो नाम देते हैं इन्हें एडवांस पार्टी, बेसिक पार्टी, एक एडवांस पार्टी और उसके ऊपर इन एडवांस पार्टी। सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी है। धर्मराज और धर्मराज का डिफरेंस क्या है? क्या मतलब? ये कौन सी मुरली से महावा के निकला? कौन सी मुरली में निकला? तो नहीं बोले ये हम धर्मराज। धर्मराज नाम है, उसको बिगड़ करके यमराज पड़ गया और बाबा ये आदित्य तिवारी का पॉइंट है। बाप मेजोरिटी बच्चों का संकल्प है बाप जल्दी जल्दी प्रकट हो जाए, हाँ। इसलिए बाबा कहते हैं पहले बच्चे अपनी संपन्न और संपूर्ण स्टेज पहुंच जाए तो सब बाप प्रकट होगा, ठीक है। तो कौन से बच्चे संपन्न संपूर्ण होना चाहिए बाप प्रकट होने के लिए? जो अव्वल नंबर के होंगे तो ही होना चाहिए। अव्वल नंबर माना त्रिमूर्ति, जो भी अव्वल नंबर के होंगे वो ही प्रकट होंगे, माना त्रिमूर्ति के लिए कहा गया है। त्रिमूर्ति में तो सजा खाने वाले भी है। जो अव्वल नंबर होंगे, जो अष्टदेव की लिस्ट में होंगे, वो सजा खाने वाले होंगे। माना वो बात की अष्टदेवों के लिए कहा। हाँ जी बाबा, आठवां भूल का माना क्या है? आठवां भूल का भूल का क्या होता है? भूमिका, आठवां भूमिका। योगी लोग होते हैं वो 8 भूमिकाएं बोलते हैं। कहते हैं जो कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो 8 चक्रों से पसार होती है। कुंडली जो है वो सबसे नीचे वाले चक्र में पड़ी हुई है और 8वें चक्र में जब पहुंचती है तो टिपर में सर के ऊपर सहस्त्राचार चक्र है, वहाँ पहुंचती है तो वो 8वीं भूमिका कही जाती है। तो भक्ति मार्ग वालों की भाषा है 8वीं भूमिका। तो त्रिमूर्ति में सजा भोगने वाली ब्रह्मा है, त्रिमूर्ति में सजा भोगने वाली ब्रह्मा है क्या? सूर्यवंशियों को पक्का देवता कहा जाएगा या चंद्रमा या चंद्रवंशियों को पक्का देवता कहा जाएगा? तो ब्रह्मा और दादा लेखराज वाली आत्मा उनको पक्का कहे या कच्चा कहे? कच्चा। अष्टदेव में कहे नहीं तो फिर बाबा त्रिमूर्ति की झंडा लहराओ कर कुछ क्यों बोलते? झंडा लहराओ मैंने यह कि आज में कौन सी त्रिमूर्ति थी? जो आज में थी वही तो अंत में होगी कि कोई दूसरी हो जाएगी? दादा लेखराज ब्रह्मा टाइटलधारी ब्रह्मा की मूर्ति है या ओरिजिनल ब्रह्मा की मूर्ति है? त्रिमूर्ति तो आदि वाला ही होगा ना? हाँ जी। फिर आदि वाला कैसे सजा होगी? आदि वाला कैसा सजा? वो है तो तीसरी कैटेगरी में। त्रिमूर्ति के 3 तबक्के हैं। पहले तबक्के के ब्राह्मणों में और दूसरे तबक्के के ब्राह्मणों में और तीसरे तबक्के के ब्राह्मणों में अंतर नहीं होगा? नहीं, अंतर ब्राह्मणों में होगा। त्रिमूर्ति में कैसा बोल रही है? 3 वतन दिखाए गए। हाँ, वो तो 3 वतन में 3 मूर्तियाँ। हाँ। एक सबसे ऊपर का वतन जो परम नाम के नजदीक है, 3 रूपये तेज वाला। एक है बीच का वतन विष्णु की मूर्ति और एक है सबसे नीचे का वतन जो साकार दुनिया के नजदीक है। तो उन तीनों प्रकार के ब्राह्मणों में उच्च वर्ग के ब्राह्मण कौन से होंगे, कौन से वतन में होंगे, कौन से तबके में होंगे? शंकरपुर। बस उसी में से 8 निकलेंगे। क्योंकि ब्रह्मा की जो पूरी है नीचे तबके वाली, उसमें तो सब धर्म की आत्माएं पल रही है ब्रह्मा की गोद में और अंत तक पलती रही जब तक शरीर छोड़ा। या शंकर की गोद में अंत तक पलते रहेंगे? हाँ, ब्रह्मा को 4 मुख दिखाते हैं, वो शिवलिंग को भी 4 मुख दिखाई दिए और एक शिवलिंग को शंकर तक 4 5 शंकर जी एक शिवलिंग को सामने का बाल शंकर जी। ठीक है, वही 5 आत्माएं जो विष्णु चतुर्भुज में दिखाई गई है। और क्या हंस क्या करता है? तो पानी और दूध दोनों पी लेता है या सिर्फ दूध ही दूध पीता है? ऐसे ही नीर क्षीर विवेक की आत्माएं होती है। जो नीर क्षीर विवेक की आत्माएं हैं वो पानी छोड़ देंगी। पानी का ज्ञान सुनाने वाले हैं मनुष्य और सिर्फ दूध ही दूध पिलाने वाला है बाप। तो दूध को ग्रहण करेंगी, सच्चाई को ग्रहण करती है और पानी को छोड़ देती है। पानी को मथने से कुछ नहीं निकलता, कोई सार नहीं निकलता। दूध को मंथन करने से सार निकलता है। इसलिए क्षीर सागर में नारायण को दिखाते हैं। क्षीर माना दूध का सागर। और हाँ जी, वो पहला जो और यहाँ की बात के बीच में ब्रह्मा का नाच था, हाँ जी, वो कौन सा जगदम्बा है? जगदम्बा शरीर छोड़ गई। जगदम्बा शरीर छोड़ेगी वो जो जिसने शरीर छोड़ दिया। हम राधे की बात कर रहे हैं, शरीर छोड़ना माने ओम राधे की बात कर रहे हैं ना? कौन सी एडवांस पार्टी में? एडवांस पार्टी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अरे शरीर तो सारे ही छोड़ेंगे। ये पते शरीर किसी का रह जाएगा क्या? ये पावन शरीर मिलेगा, परिवर्तन होगा ना? कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो इसी शरीर से जाएंगी, कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जैसे ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा वो भी शरीर छोड़ेंगी। कंचन काया से तो सूर्यवंशियों की बनेगी या सूर्यवंशियों में जो सरेंडर हो जाएंगे तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, उनकी बनेगी। जो विधर्मी आत्माएं हैं वो तो झुकने वाली नहीं है, उनकी कैसे बन जाएगी? ज्ञान योग धारणा सेवा में बाबा एक कैसेट में कहा है ये 3 में याद है मुख्य। याद एक रहने से वो ज्ञान नहीं रहने से भी चलेगा और ज्ञान नहीं होगा तो याद किसे करेंगे? ऐसा कहा है, फाउंडेशन में ज्ञान तो चाहिए लेकिन ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। ज्ञान तो साधन है, याद मुख्य है, याद मुख्य सब्जेक्ट है। इतना ज्ञान तो जरूर चाहिए जो बाप की पहचान हो जाए। हाँ, उसी तरीके से धारणा सेवा भी तो थोड़ा तो चाहिए। याद में धारणा भी समाई हुई है, याद में सेवा भी समाई हुई है और याद में बिंदु साथ साथ होने की वजह से ज्ञान का सारा सार प्रैक्टिकल में समाया हुआ है। जब वो संपन्न स्टेज में पहुंचेगी याद की यात्रा तो सारा ज्ञान स्वतः ही समा जाएगा। पूरी पूरी बांधेली माताएं हैं, याद बहुत करती है लेकिन उनके अंदर ज्ञान नहीं फैलता और दूसरों की सेवा भी नहीं कर पा रही है। अंत में उनकी याद की यात्रा की तीखेपन की वजह से वो सारे गुण स्वतः ही समझ आएंगे। बाबा अभी जो कहा ना जो शंकरपुरी में है उसी में ही आष्टदेव सुने जाएंगे आठ आत्माएं। तो संपन्न कहा जाएगा विष्णु को, ब्रह्मा और शंकर दोनों का संपन्न मूर्ति तो विष्णु है। विष्णु कोई अलग मूर्ति नहीं है, चारों ही मूर्तियां मिलकर के एक हो गई तब कहा गया विष्णु। उनमें से एक आत्मा है जो न्यूट्रल होकर के रहती है, इसलिए उसको विष्णु कहा गया। और सबसे जाति पवित्र है, जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं या 33 करोड़ देवताएं हैं, और सबसे जाति जन्म जन्मांतर पवित्रता का पाठ बजाने वाली जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा कोई एक है, वही विष्णु की मूर्ति है। नो भी तैताल शंकर के लिए कहा गया नहीं, वैसे भी शक्ति के लिए कहा गया जो साकार में अनेकों का संग नहीं करती, अनेक आत्माओं का साकार में एक का ही संग करती। तो फिर वो सबसे नंबर 1 है, तो भक्ति में क्यों पुरुष रूप में दिखाया? भक्ति में पुरुष रूप में इसलिए दिखाया है कि पुरुष तन में ही शिव बाप आते हैं, स्त्री चोले में नहीं आते, इसलिए शिव को ही भगवान कहा जाता है। शिव बाप को प्रत्यक्ष है। हाँ जी, तो विष्णु कैटेगरी में जो होगा आत्मा ये वो तो अस्थि अंश से कम हुआ। मनन चिंतन मंथन करने के लिए भी तो टाइम चाहिए, अपनी घोट तो नशा करे। तो वैष्णव या विजय माला में आने वाली जो आत्माएं हैं वो अपनी वोट का नशा चढ़ाएंगी या सिर्फ उनको प्योरिटी का नशा होगा? प्योरिटी का नशा होगा। तो मतलब मोस्टली वही कैटेगरी का विष्णु कैटेगरी में आएगा। हाँ जी, मतलब रानी मक्खी के साथ जो आएगा वही विष्णु कैटेगरी में आएगा। वही क्यों होंगी? मतलब मोस्टली तो शंकर की कैटेगरी के होंगे वो नहीं होंगे। जो ब्रह्मा की कैटेगरी की आत्माएं होंगी वो विष्णु में नहीं होंगी। ओम राधे जगदम्बा की कैटेगरी वाली आत्माएं होंगी वो विष्णु में नहीं होंगी। वो विष्णु की भुजाएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बनेंगी। तरह मेजॉरिटी आत्माएं वहाँ जाएंगी, मतलब रानी आत्मा मेजॉरिटी क्यों? समान भाव होगा। यानी आप तो कर सकते हैं, है? बस याद करेंगे भाई, बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर नहीं होता है क्या? इन्वर्टर भी तो होता है, इमरजेंसी लाइट भी तो होती है। हाँ, इमरजेंसी लाइट में बिजली है ना। अभी तो ऐसी भी बैटरी निकल पड़ी है कि उनमें बैटरी कट वो बिजली इकट्ठी हो जाती है, वायर लगाओ और बिजली चालू। और बाबा शिव बाबा तो अमन है ना, शिव बाबा अमन है। हाँ तो फिर 36 में शिव बाबा को यहाँ साकार सृष्टि में आने का संकल्प कैसा हुआ? संकल्प थोड़ा ही होता है, जैसे हर आत्मा में अपना पार्ट भरा हुआ है वैसे उस आत्मा में भी अपना पार्ट भरा हुआ है। हर आत्मा कोई संकल्प लेकर के थोड़े ही नीचे उतरती है, अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। जब टाइम आता है तो नीचे उतर आती है। साइकिल बना हुआ है हर एक आत्मा का, हर एक वस्तु का, हर एक अणु अणु का साइकिल बना हुआ है। 5000 वर्ष के जिस टाइम पर जिस आत्मा को जहाँ पहुँचना है, पाठ बजाना है, वहीं जाकर के पाठ बजाएगी। तो इसलिए बाबा के ड्रामा के बंधन में है पता लगा। तो फिर बाबा ये भी बोलता है बनी बनाया ड्रामा। बनी बनाई माने बनी का बनाई कितने बाप और बच्चों। जी अध्यक्ष स्टेज में अर्धचंद्रमा माने अधूरी आत्मा है। जब तक अधूरी है तब तक शंकर के मस्तक पर है। हाँ जी हाँ जी, बाप और बच्चे दोनों साथ साथ ही जन्म लेंगे या आगे पीछे जन्म लेंगे। तो बेहद का बाप है, बेहद के बच्चे। हद के बाप तो है नहीं कि बाप पहले पैदा हो और बच्चे बाद में पैदा हो। तो बाप और बच्चों का जन्म इकट्ठा है, माने 75 रूपी जन्म होगा तो इकट्ठा होगा। हाँ जी, कोई शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है, कृष्ण जयंती की, कृष्ण जन्माष्टमी की, वो उस संगम युग की यादगार है। और बाबा आंध्र में एक राम का मंदिर है। उसको एक बड़ा भक्त ने, रामदास करके एक भक्त ने बनाया। वो तो वो सुल्तान खाना जी करके सुल्तान के नीचे था, इसलिए लास्ट में क्या होता है वो वक्त को सुल्तान ने कैदी कर देता है। वो सरकार का पैसा लेकर के आप मंदिर क्यों बनाए है। तो लास्ट में वो कहानी में ये कहते हैं राम और लक्ष्मण ने सूर्य जी से उनको धन दिया ला करके, सूर्य जी से धन ला करके दिया राजा को। सब तो वो छोड़ा भक्त को, रामदास को। वो स्थूल वो तो कलीब का कहानी है। फिर वो स्थूल रीति से कैसा लाके देगा और स्थूल रीति कैसे लाके देगा। राम और लक्ष्मण ने लाकर दिया ऐसा बताते हैं। राम के दास अब जेल में ही तो पड़े हुए हैं। हाँ, उनको छुड़ाने के लिए। हाँ, तो राम उस राम त्रेता वाले राम को कहा गया है या भगवान के लिए कहा गया है। जैसे कृष्ण कहते हैं तो भक्ति मार्ग में जिसे कृष्ण कहते हैं वो कृष्ण की बात है, कृष्ण की जीवन कहानी है या भगवान की जीवन कहानी। भगवान ऐसे ही जिसको राम कहा गया है वो राम अभी आकर के धन दे रहा है। हाँ, ये तो संगम को तो बस लागू होता है, संगम युग में होता है, वो ही बड़े ड्रामा में लागू होता है। वो लोग भक्ति में लिख दिया कैसा, वो स्थूल ऋषि से उनको तो बंदी खाना में डाला था। हाँ? उसको निकाला कैसा, स्थूल ऋषि से डायरेक्ट दिया ऐसा कहते हैं ना। हाँ, नहीं, दुनिया में जो भी रामदास है वो जेल में नहीं पड़े हुए हैं, जेल में पड़े हुए हैं। गवर्नमेंट नास्तिक हो गई है, तो नास्तिक गवर्नमेंट जो है वो जो जनता का धन मूस रही है अंधश्रद्धा के नाम पर, चंदा ले ले करके बड़े बड़े मंदिर भव्य बनाते चले जा रहे हैं, वो बंद करवा देगी। ये तुमने धन जो दूसरों से लिया है वो नाजायज धन लिया ना, बहला फुसला के इकट्ठा किया ना, इसका कोई पक्का प्रूफ तो है नहीं। ये भगवान का मंदिर तुमने बनाया, तो भगवान स्वयं आता है और वो असली ज्ञान धन देता है। उस ज्ञान धन के आधार पर वो ज्ञान रतन ही असली धन बन जाते हैं, असली रतन बन जाते हैं और भगवान की पूजा हो जाती है। सरकार को भी मानना पड़ेगा। ये संगम में जो ड्रामा चला उसके आधार से वो कल पुराण लिख लेते हैं वो लोग। हाँ जी, हाँ जी। माता ही पूछ रहे हैं कि भक्ति मार्ग में देवताओं को मूर्ति जो खाना दिखाते हैं ना, उसका आपको क्या है ज्ञान मार्ग में? देवताओं की मूर्ति काली तब दिखाते हैं जब वो काले हो जाते हैं। कलयुग के अंत में सभी देवात्माएं काली तमो प्रधान बन गई या सतो प्रधान, रजो प्रधान, काली मूर्तियाँ दिखाई है। आजकल जो नेताएं हैं उनके भी चौराहों पर चित्र कैसे रंग के बनाते हैं, काले बनाते हैं। क्यों? वो भी काले तमो प्रधान है। वो काली बनने का वक्त है, वो बकरी वो सभी बन सकते हैं, अर्पण करते हैं। काली के मंदिर में बकरी अर्पण करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। हाँ, तो जो भी मैं करने वाले आतुर हैं, जो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं, समझते हैं मैं ही सब कुछ करने वाला करने वाली हूँ, उनकी महाकाली बलि ले लेती है। बाबा, हर एक रंग, सफेद रंग शांति का सूचक है, ऐसे हर एक रंग एक एक सूचना करता है ना। ऐसे लक्ष्मी की ड्रेस पिंक कलर का है, ऐसे वो भी लक्ष्मी के ड्रेस पिंक कलर का है, वो किसका सूचक है? वो भी शांति धाम की बात ही पहले बनती होगी। बाबा, देवता मंदिरों के ऊपर रामबाग के चित्र की आप, मगर वो इस्लामी और बौद्धियों के या तो क्रिश्चियन के मंदिरों के ऊपर क्यों वो चित्र नहीं बनाया? ज्यादा पतित दूसरे धर्म वाले बनते हैं या देवताएं बनते हैं? है? देवताएं ज्यादा पतित बनते हैं, तो जो ज्यादा पतित बनते हैं वो ड्यू पीरियड में भी तो ज्यादा पतित बनते होंगे। और वो तो इधर तो वहाँ से उनसे पैदा होता है, बताओ तो पहले। जो ज्यादा पतित बनते हैं वो शूटिंग पीरियड में भी ज्यादा पतित बनते होंगे या नहीं बनते होंगे? बनते होंगे। तो जब ज्यादा पतित बनते हैं तो वो मंदिर के अंदर दिखाए गए हैं या बाहर दिखाए गए हैं? बाहर क्यों दिखाए गए? क्योंकि जब तक सुखधाम और शांति धाम स्थापन नहीं होता है प्रैक्टिकल में, तब तक वो बाहर ही रह करके पुरुषार्थ करेंगे। जब संपन्न स्टेज को प्राप्त हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, तो उनकी मूर्तियाँ सुखधाम और शांति धाम में स्थापित कर दी जाएंगी। इसलिए मंदिर के बाहर दिखाई गई हैं मूर्तियाँ। बाहर तो दिखाया है, तो इधर में इनको इधर में उनका याद आया जा रहा है। उनके संग का रंग लगता है बाहर रहने से। बाहर की दुनिया में है तो बाहर तो हिंदू मुसलमान सब इकट्ठे रहे पड़े है ना, हाँ। तो उनका संग का रंग नहीं लगेगा, लगेगा एक भगवान का ही संग का रंग लगेगा, लगेगा लगता है। तो जो भगवान के बच्चे हैं वो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा बड़े हैं। तो बड़ा बच्चा ज्यादा बिगड़ेगा या छोटे ज्यादा बिगड़ेंगे? बड़े ज्यादा बिगड़ जाते हैं। तो बाहर भी जो दिखाया वो देवी देवताओं का ही चित्र है, हाँ जी। फिर वो सिर्फ उनका संघ के लिए वो बाहर दिखाया, हाँ जी, विदर्भ में उनका संघ के लिए, हाँ जी, हाँ जी। बाबा आज वाणी है ब्रह्मा कुमारी का घर का वही थी सकले इधर का कुमारी का घर का साफ नहीं पड़ पाया है, इधर का साफ नहीं पड़ पाया, उधर का छाप नहीं पड़ता माना क्या कुमारी का घर तो वही होते हैं सकले। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जो याद बैठते हैं क्लास करते हैं उनके लिए मुरली में बताया नहीं कि जब तुम ड्रिल करते हो तो तुम्हारी सफेद पोशाक होनी चाहिए, और सारा दिन काम करते समय भले कोई दूसरी पोशाक पहनो, सेवा करने जाओ तो भी दूसरे रंग की पोशाक पहनो, लेकिन जब संगठन याद में बैठते हो ड्रिल में बैठते हो तो उस समय पोशाक कैसी होनी चाहिए? सफेद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बाकी ये कोई पक्का नियम नहीं है कि हर समय सफेद साड़ी पहनना है, लेकिन सुंदर तो लगता है, सुंदर तो लगता है क्या? सभी सफेद सुंदर लगता है। तो क्या कोई घाटा आ जाएगा याद किए? याद में बैठते समय क्लास करते समय संगठन में बैठते समय अगर सफेद कपड़े पहनेंगे तो घाटा आएगा क्या? ये वातावरण अच्छा ही मालूम पड़ेगा, है अच्छा ही वातावरण दिखेगा। भैंस माने भैंसा, जैसे भैंस होती है ना, हाँ, जैसे भैंस होती है भैंसा होता है, और एक गाय होती है, दोनों में शुद्ध दूध किसका माना जाता है? गाय का दूध सात्विक और भैंस का दूध सात्विक क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि भैंस बुद्धि अच्छी नहीं मानी जाती, गाय सात्विक मानी जाती है। तो भैंसा असुर मर्दनी का मतलब ये है कि जो भैंसे की तरह असुर था, यानी वो भैंस बुद्धि था, उसकी गाय की तरह बुद्धि नहीं थी। जैसे धर्मराज की सवारी दिखाई है ना, कौन सी भैंसा, ऐसी जो बुद्धि है उन भैंसा असुर भैंसा जैसे असुरों की बुद्धियों का विनाश किया, उनको नष्ट कर दिया। चलो